लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक का असाइनमेंट दिया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3-5 में कुछ पॉइंट्स पूछे थे, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस करता हूं कौन कौन से पॉइंट्स थे। एक तो 4 का कुछ पूछ रहे थे कि 4 में कोई पॉइंट है। जी हाँ, आज कैम बहुत नाइस लगा दिया है इन्होंने, ताकि वो सारी चीजें जो है ना, आपको जो आपके शिकवे शिकायत थे वो दूर हो जाए, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ पॉइंट नंबर 2 में 7, क्वेश्चन नंबर 2 और 7 किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज ध्यान में रखो, जब भी रिकंसिलिएशन आ रहा है, तो मैंने एक बात तुम लोगों को ये बताई है ना कि रिकंसिलिएशन बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, यानी किसको कंपेयर कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। जब बैंक स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे होंगे, तो हमेशा ये ज़हन में रखो कि उसको वो कंपेयर करके जो रिजल्ट बन रहा है उसको वो लिख के दे रहे हैं। अब वो बताने जब जा रहे हैं, तो उनके बताने का जो अंदाज है, वो अंदाज एक सीधा अंदाज भी हो सकता है और थोड़ा सा नेगेटिव, यानी नेगेटिव वे भी बता सकते हैं, यानी ये बात कि ये करना है या ये नहीं करना है। मिसाल के तौर पे 5 चेक, यानी सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक टोटलिंग 5,000। यानी आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमने क्या किया, 5,000 चेक बैंक में डिपॉजिट किए। अब हमने डिपॉजिट किए, जब ये लफ्ज आ रहा है कि 5 चेक डिपॉजिट, तो ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि यार ये रिकॉर्ड हमेशा पूरे का पूरा मौजूद होगा किसमें, कैशबुक में। क्यों? क्योंकि हमने डिपॉजिट किए हैं, कैशबुक हमारा रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पैसे बैंक में डिपॉजिट हो गए। कितने चेक? 5 चेक, ठीक है, आसानी की खातिर 5 चेक। अब ये एक और बात है कि उन सब चेक की टोटल अमाउंट जो बनती है, वो बनती है कितनी, 5,000, ठीक है। ये आसानी का, एक एक हजार के 5 चेक हो या मुख्तलिफ फिगर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही रिकॉर्ड 5 चेक के डिपॉजिट होने का किसने रिकॉर्ड करना था, बैंक ने। लेकिन क्या कहता है आगे, बट ओनली 3 चेक क्लियर्ड। अगर इन 5 में से सिर्फ 3 चेक क्लियर हुए, जिनकी अमाउंट बनती थी, कितनी बनती थी, 3,000। अब जरा समझिएगा, सही है, आवाज सबको सेट आ रही है ना, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब समझिएगा क्या कि देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि चेक क्लियर होने का प्रोसेस क्या है। हम किसी का चेक लेते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ओके। जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये था कि पैसे आ जाएंगे या आ गए हैं, हम अपने कैश बुक में डिपॉजिट को डिपॉजिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक के बैंक, हमारा बैंक, जिस हमारा, हमने जहां डिपॉजिट किया है, हमारा बैंक उस शख्स के बैंक से पैसे वसूल कर ले। किसके अकाउंट से? जिसने हमें चेक दिया है। जब तक हम उसके चेक का रिकॉर्ड, जब तक उसके अकाउंट से पैसे नहीं आएंगे, बैंक शो नहीं करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं चेक का क्लियर होना, यानी चेक डिपॉजिट हो गया, लेकिन अमाउंट हमारे अकाउंट में जब रिफ्लेक्ट होगी, जब शो होगी, जब दिखाई जाएगी बैंक की तरफ से, जब पैसे हमारे अकाउंट में दूसरे के अकाउंट से निकल के आ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, अब प्रैक्टिकल एक थोड़ा सा सुन लो। बेसिकली जो बैंकिंग है, उसमें यह होता है कि पाकिस्तान में आप सब लोग जानते हैं, एक है स्टेट बैंक, ठीक है। दुनिया, पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंक, काम करने वाले बैंक इसके अंदर होते हैं। अब मसलन एक बैंक है SBL, दूसरा बैंक है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। अब किसी SBL के कस्टमर को MCB के कस्टमर ने, ठीक है ना, पैसे चेक दिए, इसके कस्टमर ने इसको चेक दे दिए। अब HBL क्या करता है, ये HBL ने पैसे वसूल करने हैं MCB से, क्योंकि उसके कस्टमर ने यहां पैसे दिए हैं। इसके लिए ये लोग स्टेट बैंक में मिलते हैं। स्टेट बैंक ने इसके लिए एक इदारा बनाया है निफ्ट के नाम से, नेशनल इंटरनल फाइनेंस ट्रांसफर,
उसमें क्या करते हैं कि ये HBL और NCB के नुमाइंदे यहाँ आके मिलते हैं। HBL का नुमाइंदा लिफ्ट में बैठकर MCB से पूछता है कि आपके बंदे ने 5,000 का चेक दिया है, क्या उस बंदे के पास 5,000 रुपए हैं? अगर हैं तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें ताकि हम अपने बंदे के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दें। मार्कर में इंक नहीं है, एक मिनट मुझे बोलने दो। राशिद, राशिद यार मार्कर मुझे वो लाके जो बख्ती ने दिया इसमें इंक बिल्कुल नहीं है, खाली है। तो यहां पर इस इदारे के जरिए से पैसे जब ये एमसीबी अलाउ करता है तो ये पैसे यहां से होते हुए एचबीएल के अकाउंट में आते हैं और एचबीएल अपने कस्टमर को देता है। बोलो समझ में आई बात? इस प्रोसेस को कहते हैं चेक का क्लियर होना। अगर एक शहर का चेक होता है ना तो मैं अगर आज डिपॉजिट करूंगा तो कल जाएगा मेरा बैंक वाला निफ्ट में और एमसीबी से पूछेगा, एमसीबी उसको इन्फॉर्म करेगा और परसों फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो एक चेक शहर के अंदर कम से कम 2 दिन लेता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने को। इस प्रोसेस के दौरान अगर चेक नहीं होता कंप्लीट तो उसको कहते हैं अनक्लियर्ड चेक। तो अब आसान बात हुआ क्या? 5,000 का चेक डिपॉजिट हुआ, उसमें से सिर्फ कितना क्लियर हुआ? 3,000 का चेक क्लियर हुआ। 5,000 में से 3,000 का चेक क्लियर हुआ। तो जब 5,000 में से 3,000 का क्लियर हुआ इसका क्या मतलब हुआ? 2,000 का चेक अभी भी क्या है? अनक्लियर्ड है। जो हमारे पास तो पूरा शो हो रहा है, बैंक में शो नहीं हो रहा। तो अनक्लियर्ड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि आज नहीं कल नहीं परसों ये चेक आ जाएगा। हाँ, अगर यही चेक डिसऑनर्ड हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट से लेस कर दे। बोलो आई बात समझ में या नहीं? दोबारा रिपीट करूं, अभी बताता हूं। नेशनल इंटरनल फाइनेंस ट्रांसफर, तो ये समझ में आ गया। अनक्लियर चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा, ठीक है? और अनक्लियर चेक कब डिसऑनर्ड हो जाएगा? अनक्लियर चेक कब डिसऑनर्ड होगा? अगर ये एमसीबी मना कर दे। तो ये दो रट्टे लगा लो, क्या ये दोनों डिसऑनर्ड चेक और अनक्लियर चेक, अनक्लियर बैंक स्टेटमेंट में प्लस और डिसऑनर्ड चेक कैश बुक से मार, क्योंकि अगर पैसे क्लियर नहीं हुए अभी तक तो बैंक में ऐड करो क्योंकि आ जाएंगे, लेकिन बैंक ने इनकार कर दिया कि पैसे नहीं आएंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? लेस होंगे। तो पहले तो एक अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए, क्लियर हो गया? दोबारा दोहराऊं कोई बात, रिपीट करूं? मैं चैट विंडो देख रहा हूं करीब आके, बताइए कोई चीज रिपीट करनी है तो। चलूं आगे? हाँ भाई, कोई जवाब नहीं आ रहा। बॉयज मौजूद हैं सारे? आज कुछ कम लोग हैं। चलो अच्छा, अब ठीक है, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इसी का चौथा पॉइंट अब पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट बोला था तुमने, और कौन सा बोला था? क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पॉइंट भी रुबाब आप कह रही हैं कहने को। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये पॉइंट नंबर वो था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो कहलाता है अनपेड चेक। अब ये समझिए, अनपेड या दूसरे लफ्जों में इसको एक नाम देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अब देखो इसी प्रोसेस को समझो जो अभी मैंने पेमेंट करने वाली बात, अनक्लियर में तो मैं इसकी तरफ से बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन अनपेड में आप समझ लो हम एमसीबी की तरफ से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में हमारे, फिर वो निफ्ट में गया, निफ्ट से वहां गया, तब वापस आया इधर, ठीक है। अब अगर सोचो कि हम किसी को चेक देते हैं तो हम जिस वक्त चेक देंगे हम उसी वक्त चेक इशू का लफ्ज आ रहा होगा अक्सर, अभी इसमें नहीं है लेकिन आगे आएगा,
चेक इशूड, जहां चेक इशूड का लफ्ज आ गया तो समझो कि हम लोग चेक दे रहे हैं, तो हम पता है हमें कि भाई हम किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है हमारे बैंक का बैलेंस कम होगा। तो उस आदमी ने जिसने चेक दिया अपने बिजनेस से, उसने कैश बुक से माइनस कर दिया। कौन सा? चेक इशूड फॉर पेमेंट। अब चाहे वो कोई भी पेमेंट हो, आपने कंपनी ने चेक इशू किया, आप उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यही वाली बात, जब आपने किसी को चेक दे दिया तो वो चेक फौरी तौर पर तो बैंक में से नहीं पेमेंट हो जा रही। ये प्रोसेस जो मैंने ऊपर समझाया, ये क्या होना है? कंप्लीट होना है, जिसमें 2-4 दिन लगने हैं। अब उसी 2-4 दिन के अंदर महीना खत्म हो गया, बैंक स्टेटमेंट इश्यू हो गया, तो वो चेक इसके अकाउंट में शो हो रहा है, लेकिन वो चेक उसका या वो पैसे अभी उसके नहीं है, क्योंकि ये पैसे जो उसने क्या करने हैं, चेक की सूरत में दे दिए हैं, लेकिन चूंकि अभी वो चेक बैंक में आया नहीं है, तो बैंक ने बैंक स्टेटमेंट से वो माइनस नहीं हुआ। तो अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दिया जाता है। कौन सा? अनप्रेजेंटेड। इसके और नाम, इसको यूं याद रखने की कोशिश करो, अनप्रेजेंटेड, अनपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग चेक्स, ये हमेशा हम बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। अनप्रेजेंटेड, मार्कर नहीं दिया यार तुम लोगों ने, इसमें ये चीज में भर के लाओगे गरीब लोग। अनप्रेजेंटेड, अनपेड और अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये हमेशा बैंक से माइनस होंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आई? हमने जिस दिन चेक दिया हम अपने कैश बुक से लेस कर गए, लेकिन हमारे अकाउंट से अभी वो पैसे माइनस नहीं हुए हैं, क्योंकि उस शख्स ने अभी प्रेजेंट नहीं किया या उसके बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारे अकाउंट में ही पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मगर अब वो हमारे पैसे नहीं है, इसलिए हम उसको बैंक स्टेटमेंट से लेस कर देंगे। बोलो, अब ये पॉइंट भी चलूं आगे। ये पूछा था मुझसे किसने? रुबाब ने शायद पूछा था, ठीक है। मुस्कान का भी हो गया। अच्छा, ये तुम लोग नहीं हो भाई, जोहेब या कौन, शायान, आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे, शायान ने मुझसे कुछ पूछना था। शायान है नहीं क्या आज? चलें फिर आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 का, रुबाब क्या कह रही बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बताऊं, कौन सा पॉइंट यार, दोबारा लिख दो। विंडो से चैट ना आप लोगों की ज्यादा आगे आते हैं, मैसेज तो ऊपर हो गया, मैं नीचे करने में चक्कर में देर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अच्छा, 2 का 3 है, बैंक पेड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट ऑन फर्म बिहाफ वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा देखो, ये जो नोट का वर्ड है ना, इसमें एक वर्ड अभी आएगा, इंटरेस्ट बियरिंग, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। थोड़ा सा इसको अभी आगे पढ़ने जाने दो, मैं ये पूरा समझाऊंगा कि ये इंटरेस्ट बियरिंग क्या होता है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, जो मैंने शुरू में बताया कि ये हुआ ये है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पर, हमारे बिहाफ का मतलब समझना, इसको पढ़ते हुए थोड़ी सी हम गलती करते हैं। हमारे बिहाफ का मतलब है कि जिसको हमने पे करना है उसको हमारी जगह हमारे बैंक ने पे कर दिया। याद रहे कि बच्चे कुछ ये समझते हैं कि बैंक ने हमें दिया है, बैंक ने हमें नहीं दिया है बेटा, हमने किसी को पेबल था, हमारा किसी के ऊपर वाजिबुल अदा पैसा था, जो कि वर्बल होता है, तो मैंने बताया था ना कि जब जबानी होता है तो अकाउंट पेबल, लिख के आ जाए तो नोट पेबल, दूसरा बिल पेबल। अब समझाऊंगा ये सारा, अभी मुझे पता है ये सब टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, सबर कर लो। बस इतना समझ लो, अकाउंट पेबल वर्बल होता है, नोट पेबल और बिल पेबल लिखा हुआ होता है कि पैसे देने हैं, ठीक। अब हुआ क्या, बैंक ने हमारी जगह जिसको हमने देना था उसको बैंक ने दे दिया। समझना क्या है, बैंक ने अपने पल्ले से नहीं दिया, उसने हमारे पैसे जो हमारे अकाउंट में थे उसमें से निकालकर उस शख्स को अदा कर दिया, हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, पेमेंट हो गई, लेकिन किससे खत्म हुई, हमारे ही पैसों से, और वो पैसे कहां थे, बैंक में। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बैंक ने हमारे पैसे पे किए, तो बैंक तो लेस कर चुका है,
कैश बुक से लेस नहीं हुआ, तो ये पॉइंट लेस होगा कहां से, कैश बुक से। ये आपको जो अगर मैं लिस्ट में बताऊं जहां लिखा था, नहीं लिखा था एक एनी टाइप ऑफ पेमेंट, जो पेज नंबर 7 पे बताया, कभी भी बैंक कोई पेमेंट करे तो ये मत समझना कि बैंक हमें पे कर रहा है। हम क्या लिखा भाई, 3 पॉइंट सर, 3 पॉइंट ये नहीं है, यही है ना 3 पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का 7 बताता हूं मैं, एक तो समझ में आ गया ना कि ये हमेशा कभी भी बैंक अगर हम ये लफ्ज आ जाए ना हमारे बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर बैंक अगर पे करेगा तो वो हमेशा कैश बुक से लेस होगा, और हमारे बिहाफ पे बैंक अगर कलेक्ट करेगा तो वो हमेशा कैश बुक में ऐड होगा, क्योंकि वो उसमें बैंक हमारे अकाउंट को डील कर रहा है, हमारे अकाउंट से पे कर रहा है, पैसे कम हो गए, हमारे अकाउंट में दूसरों से लेकर हमारे अकाउंट में वसूल करके डाल दे रहा है, पैसे बढ़ गए। तो हर सूरत में जब भी बिहाफ का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि बैंक ने हमारी जगह किया है, कैश बुक में नहीं। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ, 7 बोलता हूं भी, 7 पॉइंट बता देते हैं। अब देखो यही, अब 7 पॉइंट इसी का ना उमैमा, आप जो पूछ रही हो बेटा 7 क्लियर है, ठीक है रुबाब, थैंक यू। 7 पॉइंट उसी का उलट है उमैमा, उसमें क्या हो रहा है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स बिहाफ। मैंने अभी कहा, अभी हम इंश्योरेंस समझते हैं आप लोग क्या है, इंश्योरेंस एक, बल्कि बात अभी चलो उधर निकल जाएगी, टाइम भी थोड़ा सा है, अभी इंश्योरेंस को नहीं ले जाता, लेकिन इंश्योरेंस करवाया है। अब इतना लेकिन क्लियर होना चाहिए कि इंश्योरेंस जो शख्स करवाता है ना अपनी लाइफ का, अपने घर का, अपनी गाड़ी का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देता है, और उसके एवज इंश्योरेंस कंपनी उससे वादा करती है कि अगर आपको ये नुकसान हुआ तो हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। समझ में आई बात, अगर कभी कोई पूछे कि इंश्योरेंस होता क्या है तो सवाल याद रखना, जवाब ये, इंश्योरेंस एक मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को यकीन दिलाती है कि आपको ये नुकसान नहीं होगा। वो कौन सी पार्टी होती है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी दूसरे बंदे को, मुझे, आपको यकीन दिलाएगी कि जी आप, अब लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको क्या यकीन दिलाएगी, आप नहीं मरेंगे इस साल। गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी, आपके घर में आग नहीं लगेगी, ये इंश्योरेंस कंपनी यकीन दिलाती है आपको। और हम कहेंगे अगर हो गया ऐसा तो, कहता आप इतना पैसा दे दीजिए आपको नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम इसके अगेंस्ट आपको मुआवजा देंगे ताकि आपका वो लॉस खत्म हो जाए। तो जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें एक एनुअल या मंथली उसकी फीस देनी पड़ती है, ठीक है, पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए। अब वही बात है, हमें पैसे देने थे तो इसमें क्या हुआ, द बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है इंश्योरेंस की किस्त, बैंक ने हमारी जगह पर इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी, हमारी जगह पर यानी हमारे लिए। तो कहां से करा होगा, हमारे अकाउंट से निकाल के किया होगा, तो ये हमेशा कैश बुक से लेस हो जाएगा, ठीक है उमैमा, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया। क्या हुआ, जवाब नहीं दे रही हो यार, यस सर, ठीक है, और चलो आगे, अब तो कोई पॉइंट बचा नहीं ना, सारे हो गए, क्योंकि आप, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 आपको दिया था ना मैंने, 5 के अंदर जो आप नहीं कर सके हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं, करूं 6 शुरू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फिर, चले क्वेश्चन नंबर 6 में जो चीज है, अब जो आज का टारगेट है सबसे इंपॉर्टेंट सीखने का, जरा और से देखिएगा, बाकी सारे टारगेट बहुत आसान है। बैंक रिकंसिलिएशन, जैसा कि मैंने कहा कि बास क्वेश्चन, अब पहला सेक्शन था तो आप देखिए कि वो बिल्कुल सादा वर्डिंग में था, ज्यादा मुश्किल वर्डिंग नहीं थी, यहां से अब जरा शुरू होगी मुश्किल वर्डिंग, ठीक है बेटा, और मुश्किल वर्डिंग कुछ नहीं है, ये बता दूं, मुश्किल वर्डिंग में दो चीजें, चंद हमें लाइन के माने अखज करने, क्योंकि हमें याद तो बाल बातों की वर्ड मीनिंग मीनिंग नहीं जानते, हमें समझ में नहीं आता, वोकैबुलरी हमारी कमजोर होती है, मीनिंग नहीं पता होती। फिर दूसरा हमारा ये होता है कि हम चूंकि इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हैं कि आदि तो है नहीं हम लोग, हम आजकल सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं या फेसबुक पढ़ रहे हैं,
जिसमें जो आता था वो भी खत्म हो गया लोगों का, हर आदमी अपनी तरह लिख रहा है। तो आप लोगों को समझना यह है कि एक तो मीनिंग और दूसरा उस वर्ड का यूज समझना है। अगर आपको उस वर्ड का यूज समझ में आ गया तो आप फिर समझने में आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ा आज जो पॉइंट है जो मैं आपसे एक्सप्लेन असल करूंगा वो है बेटा क्या, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग और हम एरर को दुरुस्त करना, ठीक है। ये एरर को दुरुस्त करने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मैं आज समझाऊंगा तो आप थोड़ा सा जब पढ़ने खुद जाएंगे तो आप फंसेंगे ना, तो कल फिर पूछेंगे। तो आज और कल मैं आपको इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनाऊंगा एरर। एरर क्या है पहले मैं ये समझा दूं। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को सामने रखिए फिर बात करते हैं। सब लोगों के पास है ना क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑन नवंबर 30 को एज पर ई कंपनी बैंक लेजर, अब बैंक लेजर ब्रैकेट में मैंने लिखा है कैश बुक, अभी जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है कैश बुक ये मैंने अभी आपकी सहूलत के लिए लिखा है। पेपर में जरूरी नहीं है कि बैंक लेजर के साथ वो कैश बुक लिखेंगे, आपको खुद समझ लेना है कि अगर वो बैंक लेजर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कैश बुक, और बैंक लेजर का मतलब है बैंक का टी अकाउंट। उसके मुताबिक कितना बैलेंस है 37,660। अब जरा सा मैं आज तेजी के साथ करना चाह रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी हेडिंग नहीं डाला, डायरेक्ट काम कर रहा हूं। देखो एक कैश बुक का बैलेंस और एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, अब दोनों का हम लिखते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। प्रॉपर हेडिंग डालना मैं सिखा चुका हूं, नहीं याद आए तो नोट्स खोल, वो सॉल्यूशन खोल के देखना उसमें मौजूद होगा। अब यहां पर कैश बुक का बैलेंस है 37,660, बैंक का बैलेंस है 25,640। Got it? अब दोनों बैलेंसेस आ गए हमारे पास, और बैंक बैलेंस को, बैंक स्टेटमेंट को बैंक पासबुक के नाम से भी याद रखिएगा, पहले भी बताया था और आज भी लिख दिया, ठीक है, विजिबल है, चलता रहूं, एक दो ओके बीच में कर दिया करो तो मुझे अंदाजा रहेगा कि आप सब लोग सुन रहे हो, चल रहा है ओके, ठीक है। अब इस सवाल को आसान रखने की खातिर मैंने क्या किया, दो तीन ग्रुप बना दिए, ठीक है। एक पहला ग्रुप बना दिया आइटम नॉट फाउंड इन कैश बुक। अब एक बात शुरू में तय हो गई कि इस हेडिंग के नीचे जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब के सब किस में आएंगे, कैश बुक में आएंगे। हाँ, प्लस और माइनस हमने खुद सोचना है, प्लस माइनस नहीं बताया। पहला मसलन पहला पॉइंट बैंक क्रेडिटेड मार्कअप, क्या हुआ, बैंक ने हमें मार्कअप दिया। अब याद रखिएगा ये पीछे पड़ा होना चाहिए और याद कर लीजिए, मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये तीनों एक ही सेंस में इस्तेमाल होंगे। क्या लिखा है भाई, हाँ, और जब भी बैंक क्रेडिट करे, बैंक अलाउ करे, बैंक गिवन का लफ्ज लिखा हो, हमेशा इसको कैश बुक में ऐड कर देंगे। बोलिए याद रहेगा, मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट, बैंक अलाउ करे, बैंक क्रेडिट करे, बैंक के साथ बैंक गिवन लिखा हो, आप इसको प्लस कर देंगे किसमें, बैंक इंटरेस्ट, सिंपल सा बस लिख लीजिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितना है जनाब, 300 रुपए प्लस कर दीजिए। गॉट इट, ठीक है, क्या लिखा है भाई। अब सेकंड पॉइंट, बैंक डेबिट सर्विस चार्जेस। अब बैंक सर्विस चार्जेस, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा, सिंपल है, डेबिट कर रहा है बैंक, कम कर रहा है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कैश बुक से लेस कर दीजिए, लेस को ब्रैकेट में लिख दीजिए। थर्ड, चेक नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, मार्क एनएसएफ 4,000 एंड बैंक डिडक्टेड चार्जेस 200 रुपए। अब ये क्या है, ये डिसऑनर्ड चेक है, एनएसएफ का मतलब बताया था, नॉट सफिशिएंट फंड। हमने किसी का चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने, हमारे बैंक ने उसके बैंक से लेना चाहा, उसने मना कर दिया, ठीक, क्यों भाई, उस शख्स के बैंक में पैसे ही नहीं है जिसने हमें चेक दिया, तो वो बैंक का चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो चूंकि हम पहले ऐड कर चुके थे, अब हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी डिसऑनर्ड चेक
कैश बुक से लेस हो जाएगा 4,000 रुपए। लेकिन होता क्या है कि बैंक, नजर आ रहा है व्यू तो सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है मेरा ख्याल है, हाँ जी ठीक है, 4,000 रुपए जो आपके पास है डिसऑनर्ड हो रहे हैं, तो बैंक असल में एक पेनल्टी लगाता है। अक्सर ये पेनल्टी उसको तो लगती ही लगती है जो गलत चेक देता है, क्योंकि जब उसको तो पता था ना मेरे पास पैसे नहीं है क्यों चेक दे दिए, उसको भी लगती है और बाद वक्त उसको भी लगती है जिसने चेक डिपॉजिट किया, लेकिन उसने मतलब जिसका जिससे चेक लेके डिपॉजिट किया और उसका चेक डिसऑनर, क्योंकि बैंक ने तो अपना एक फंक्शन परफॉर्म किया ना, तो बैंक समझिए अपने उस खिदमत का आपसे पैसा ले रहा है कि भाई चेक डिसऑनर्ड हो गया मेरा कसूर नहीं है, और आपके चेक डिसऑनर्ड होने की वजह से मेरी एफर्ट जाया हुई, मेरी पैसे भी नहीं आए और मेरी एफर्ट, तो भाई आप एक फाइन पे कीजिए। तो ये भी चार्जेस है, ये भी मजीद हमें ठुक गए, यानी पैसे आए भी नहीं और हमारे अपने बैलेंस कम हो गया। तो ये डिसऑनर्ड चार्जेस जो है, डिसऑनर्ड चेक चार्जेस, ये भी हमेशा कैशबुक से लेस कर देंगे। कितना? इसी लाइन के आगे है 200। याद रहे कि ये दोनों एक ही पॉइंट है जिसको दो हिस्सों में लिखा है। बोलो क्लियर है? चलो आगे क्या लिख, कुछ बात लिखकर ठीक है। फिर द बैंक पेड इंटरेस्ट बेयरिंग, अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं अभी इंटरेस्ट बेयरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग समझाऊंगा, लेकिन अभी है क्या, फर्म बिहाफ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी बैंक ने पे किया है हमारे बिहाफ पे। अभी समझा चुका हूं कि बैंक अगर पे कर रहा है तो बैंक के रिकॉर्ड में है, हमारे पास नहीं। आप लिखिए यहां पे नोट्स पेबल, ठीक है? अभी मैंने आसान रखा था, इसमें ज्यादा इसमें कोई वे नहीं, आगे जाके भी समझाऊंगा ये पॉइंट। 1,800 रुपए। फिर है बैंक कलेक्टेड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट, अब ये कलेक्ट हुआ है ये प्लस हो जाएगा, जब पे हो रहा है तो नोट पेबल, कलेक्ट हो रहा है तो नोट रिसीवेबल, कितने से? 1,500 से। बोलो ये दोनों पॉइंट सही है? ये अभी नॉन और इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बेयरिंग समझाता हूं, यहां तक तो क्लियर होगा। चलो आगे जल्दी से जवाब मारो कोई एक दो। अब आ जाते हैं बैंक वाले पॉइंट में कि आइटम नॉट फाउंड इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, इसका छठा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग चेक। अब आउटस्टैंडिंग चेक अभी मैंने याद करवाया, अनप्रेजेंटेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड चेक्स हमेशा माइनस होंगे, कहां से? बैंक स्टेटमेंट से। आउटस्टैंडिंग चेक्स कितना है जनाब? 3,000, ये माइनस हो गया। इसके बाद अनक्लियर चेक्स अभी डिस्कस हुआ, अनक्लियर चेक बैंक स्टेटमेंट में एड हो जाएंगे 4,380। फिर आउटस्टैंडिंग को दोबारा से एक और नाम से दे दिया गया, अनपेड, वही चीज है, काम वही होगा, अनपेड चेक कितने से? 1,000 रुपए, ठीक है। और ए चेक वाज लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट दूसरों समझाया था, मजीद कहोगे तो समझा दूंगा अभी दोबारा, ठीक है। लेकिन लेट डिपॉजिट हमेशा बैंक स्टेटमेंट में प्लस होता है। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे तवज्जो रखना चाह रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि कर चुका हूं। अब बताओ यहां तक तो सही है, चलूं आगे? हाँ भाई, और कोई बॉयज में से किसी का जवाब नहीं आ रहा? जोहेब वगैरह मौजूद है? जोहेब, शायान, अहमद, चलूं आगे बच्चों? क्योंकि अब मैं समझाने जा रहा हूं एरर वाला पॉइंट, ठीक है, इसको जरा तवज्जो से सुनना है फिर आप लोगों को। किसी का जवाब नहीं आया? आया, अहमद साहब आ गए, थैंक यू अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नाम लेने पर याद आई सर की है? चले अब चलते हैं और अब एरर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा खास गौर से समझिए पहले आप सब लोग कि आखिर ये एरर का मसला क्या है। देखो अकाउंटिंग की किताबों में जब एंट्री होती है तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। मिसाल के तौर पे आपको सबको मालूम है कि हम जब ये कीबोर्ड, जैसे ये मौजूद है, ये हमारे मेरे पास ये कीबोर्ड मौजूद है, नहीं नजर आएगा आप लोगों को, दूर है भाई, नहीं आ सकता, तार छोटा है उसका, मना चाह रहा था कैमरे के सामने आए। तो उस पे जब पंचिंग होती है ना, तो पंचिंग करते वक्त हमेशा आपकी कभी कभी जो उंगलियां हैं वो गलत है। मिसाल के तौर पर एक फिगर थी
667। अब किसी ने ये 667 पंच करते हुए उसकी उंगलियों में खारिश या कहिए गुदगुदी हुई, 676 पंच कर दिया। यानी पेमेंट या वसूली इस अमाउंट की हुई और इस अमाउंट से आपने, ये अमाउंट सही है जबकि ये गलत अमाउंट है। इंटर इसको होना चाहिए था, इंटर ये अमाउंट हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों अमाउंट में जो फर्क है वो आपके रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में गड़बड़ करेगा। बोलो आई बात समझ में? यानी एक अमाउंट सही होगी और एक अमाउंट गलत होगी। ठीक, असल अमाउंट जो इंटर होनी चाहिए थी उसकी जगह कोई और अमाउंट इंटर हो जाएगी। ठीक है, अब यह गलती हमेशा दोनों जानिब हो सकती है। कैश बुक में भी वाले भी गलती कर सकते हैं, बैंक वाले भी गलती कर सकते हैं। इसका पता कैसे चलेगा कि गलती किसने की है? तो इसका पता चलेगा अगर आप लाइन को गौर से पढ़ेंगे, साफ उसमें लिखा होगा, अब सुनना जरा मेरे लफ्जों को, अगर लिखा होगा रिकॉर्डेड बाय कंपनी, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड बाय अज, इस तरह के लफ्ज, कंपनी कैश बुक हम, तो समझ लेना वो गलती किसने की है, कैश बुक ने की है। जो भी सही करने के लिए प्लस या माइनस होगा वो कैश बुक में होगा। गॉट इट? जबकि दूसरी तरफ अगर लिखा हो रॉन्गली रिकॉर्डेड इन, यानी गलत रिकॉर्ड हुआ किसने, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले बैंक्स के बाद, और रिकॉर्डेड बाय देम, यानी बैंक्स बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक स्टेटमेंट या रिकॉर्डेड बाय देम, इस तरह का लफ्ज होगा तो समझ लेना गलती किसने की है, बैंक ने। और वो प्लस माइनस जो भी होगा वो कहां होगा, बैंक में होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह तीन तरीके से समझाऊंगा। पहले अच्छे बच्चे, जहीन बच्चे पहली दफा में समझ जाएंगे, और उनसे भी ज्यादा जो जहीन बच्चे होंगे वो इंशाल्लाह दूसरी दफा में समझ जाएंगे, और जो ब्रिलियंट बच्चा होगा वो तीसरी दफा में समझ ही जाएगा। ठीक है, और चौथे के लिए फिर हम हाथ उठा के दुआ करेंगे, कोई मसला नहीं। तो इसलिए परेशान मत होइएगा और ना अपने आप को कैटेगराइज कीजिएगा कि मैंने आपको कोई वो किया है, लेकिन समझा के मैं दम लूंगा, ये इंशाल्लाह ताला आपसे वादा है जिंदगी रही तो। अब सबसे पहली बात, यहां तक मैंने पहले समझा दिया कि आपको पता करना है सबसे पहले गलती किसकी है। आइए जरा मेरे साथ इस एरर इन रिकॉर्डिंग का, मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद पढ़िए 10th point, 11th point, 12th point और 13th point, लिख के बताइए मुझे बोर्ड पे कि 11th पॉइंट किसकी गलती है। यानी आपने सिर्फ सीबी और बीएस लिखना है कि 10th पॉइंट की करेक्शन कहां होगी, कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट। पढ़े आप जल्दी से पढ़े और जवाब दें, देखो कितने लोग जवाब देते हैं। टेंथ पॉइंट कैश बुक में, शाबाश। ठीक है, जैनब ने सही जवाब दिया, जैनब कंपनी, हाँ ठीक है, कैश बुक लिखो ना, 10th पॉइंट कैश बुक सही है, बिल्कुल सही है। 11th पॉइंट कहाँ होगा, बैंक स्टेटमेंट, अर्जुमन का जवाब आ गया, ठीक है सही है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है रॉन्गली इंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर 12th पॉइंट कहाँ होगा, तो अगर आप देखें तो 12th पॉइंट भी अगेन बैंक लिखा हुआ है, 12th पॉइंट भी गलत होगा तो कहाँ, बैंक में सही होगा। और 13th पॉइंट जो है वो देखिए उसमें लिखा हुआ है आखिरी लफ्ज क्या, कैश बुक, तो लास्ट पॉइंट जो है वो कैश बुक में। तो पहले आपको ये पकड़ में आ गई, अंडरलाइन कर लीजिए वो लफ्ज जिससे आपने इस बात को समझा कि यार किस जगह जाके सही होगी। पहले पहला पॉइंट आ गया आपको, मुबारक हो। अब दूसरा पॉइंट, हमेशा पता कैसे चलेगा कि ये एरर वाला पॉइंट है, तो इसमें ये तीन लफ्ज, एररनेसली, रॉन्गली, मिस्टेकनली, ये तीन लफ्ज लिखे हुए लाजमी होंगे। ठीक है, अब ये और बात है यार कि ये तीन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई चौथा आ जाए तो लेके मत आ जाना, सर आपने तो चौथा बताया नहीं था, तो भाई मेरी इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो गई। तो तीन लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे, रॉन्गली, मिस्टेकनली, एररनेसली, या कोई और बजायगा जो गलती को कहे कि गलती से गलती हो गई। ठीक हो गया, तो ये सारे में आप देखिए कि इन चारों पॉइंट को पढ़ लीजिए, देखिए इन चारों के अंदर
ये वर्ड होगा रॉन्गली एररनेसली मिस्टेकनली, मिस्टेकनली शायद अभी इसमें नहीं है लेकिन आगे चल के मिलेगा। ठीक, चलू आगे। अच्छा, अब ये सारी गलती होने के बाद अब आता है असल, ये दो चीज सीखने, गलती नहीं की है, दो चीजें सीखने का, अब आती है असल बात। असल बात ये है कि बोर्ड आपको नजर आ रहा है, हाँ। अब समझना ये है कि यार हमें कैसे फैसला करना है ज्यादा या कम का। अब मैं आपको एक मिसाल यहां से नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट एक मिसाल से सिखाता हूं। ठीक है, फर्ज कीजिए अगर चेक, अब इसको अगर हो सके तो इस चीज को अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये हमेशा मेरे, मैं समझा रहा होता था क्लास में जब मेरे फिजिकली होते थे, ये तो फर्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह से हो रही है, तो पहले दफा में सब कहते थे यस सर समझ में आ गया, हाँ आ भी जाता था, कोई गलती नहीं होती। लेकिन जब फिर मुझसे दूर जाके खुद करना शुरू करते थे तो वो कहते हैं ना शैतान वसवसे डालता है दिल में, तो फिर वसवसे आते थे फिर दूसरे दिन। तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, अगर आपको कल मेरे बात लगे कि या प्रॉब्लम हो रही कल मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी पहले तरीके से फर्ज करो एक बात हो गई चेक डिपॉजिट। ठीक है, और अभी इस बात को जाने दो कैशबुक या बैंक स्टेटमेंट, वो तो हमने पहचान लिया कि कैशबुक लिखा होगा कैशबुक में करेंगे, बैंक स्टेटमेंट होगा बैंक में करेंगे, जो करना है वो ही करेंगे। अब क्या फर्ज कीजिए कि चेक डिपॉजिट हुआ 100 रुपए का। ठीक है, मैं आसानी की खातिर बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, डिपॉजिट कितने का हुआ 100 रुपए का, मगर रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया 1000 रुपीज। अगर आ रहा बहुत सही है, अब बताओ कि अगर 100 रुपए का चेक है और रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ 1000 रुपए का, तो पहली बात तो ये जवाब दो कि हमारा डिपॉजिट है या विड्रॉल है। तो ऊपर लिखा हुआ देख लिया डिपॉजिट है, तो बताइए पहले कि ये हमारी गलती ज्यादा डिपॉजिट रिकॉर्ड करने की है या कम रिकॉर्ड करने की है। तो सवाल का जवाब भी मैं खुद ही दे रहा हूं, हमने डिपॉजिट कितना किया 100, तो हमारा बैंक में मौजूद पैसा सिर्फ बढ़ना कितना चाहिए था 100, लेकिन हमने 10 बढ़ा दिया तो बेसिकली हमने 900 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। डिपॉजिट कितना हुआ 100, गलत कितना लिखा 1000, ये सही है ये गलत है, तो हमने 900 रुपए डिपॉजिट क्या रिकॉर्ड कर दिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, इंक्रीज करके रिकॉर्ड कर दिया। तो अब ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, यानी आप ये लाइन मैंने अपने नोट्स में लिखी है पढ़िएगा कि डिपॉजिटेड कौन सी अमाउंट, लेस अमाउंट, रिकॉर्डेड वो नजर आ रहा है मोर अमाउंट या हायर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट, कम अमाउंट डिपॉजिट हुई रिकॉर्ड ज्यादा हुई, सही करने के लिए करेंगे क्या इसको, इन दोनों का डिफरेंस देंगे जो कि आया 900, और उस डिफरेंस को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, यानी 900 रुपए या तो कैशबुक की गलती होगी तो कैशबुक से, बैंक की होगी तो बैंक से क्या कर दिया जाएगा लेस कर दिया जाएगा। बोलिए पहला पॉइंट सबकी समझ में आया मेरा, हाँ गॉट इट सब लोग, ठीक है। अब इसी को उलट करके सुनो, क्या मतलब, यही सारी चीज रिवर्स में बात करते, यानी अब यही चेक डिपॉजिट हुआ कितने का, थोड़ा सा टाइम अभी ले, अबे यार ये खत्म करने दे, सही ये वाला पॉइंट, 1000 डिपॉजिट हुआ लेकिन रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ सिर्फ कितना 100। अब मुझे बताओ 1000 रुपए डिपॉजिट हो रहे, क्या हुआ डिपॉजिटेड हायर ज्यादा जबकि रिकॉर्डेड लेस, यानी बढ़ाना था 1000 रुपए बढ़ाया कितना सिर्फ 100 रुपए बढ़ाया। अब बताओ क्या होगा, ज्यादा बढ़ाना था कम बढ़ाया, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 900 रुपए, क्या होना चाहिए 900 रुपए के डिफरेंस को, तो 900 रुपए का डिफरेंस अब क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाएगा। कहां ऐड कर दिया जाएगा, तो जिस जगह की गलती होगी वहां ऐड हो जाएगा, कैशबुक तो कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक स्टेटमेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट्स,
जल्दी से बताओ क्योंकि हमारी अगली क्लास इसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी तंग कर देती है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को लेकर चेक डिपॉजिट के बजाय, अब साफ कर रहा हूं इसको जरा, इसका ये पूरा वहां लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं मजीद बता दूंगा कल, लेकिन जल्दी के चक्कर में जरा अब बात हो रही है चेक इशूड की, ठीक है। ये सुनो, फर्ज करो चेक इशू हुआ 1000 रुपए का, जबकि रिकॉर्ड हुआ रॉन्गली सिर्फ 100 रुपए। अब क्या होगा, चेक इशूड या दूसरे लफ्जों में कह लो चेक पेड, किसी को पे कितना किया 1000। अब 1000 पे किया तो हमारे रिकॉर्ड में कमी होनी चाहिए थी 1000, जबकि हमने कमी कितनी की 100। तो जब 1000 हायर अमाउंट पे की है लेकिन रिकॉर्ड कितनी की है लेस अमाउंट, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए। तुम्हारी कमी 1000 थी, तुमने रिकॉर्ड सिर्फ कितनी की 100, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 900, ये फिर क्या हो जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट से पैसे कम होने थे 1000 रुपए, तुमने सिर्फ कितने कम किए 100 रुपए कम किए, तो तुम मजीद 900 रुपए कम कर दोगे, क्योंकि कमी कितनी होनी थी, देखो अगर दोनों हाथ मेरे देखो, असल में 1000 रुपए कम होने थे, तो बैंक का ये बैलेंस है, सीधा हाथ मेरा आसानी है, इसमें निशान लगा हुआ, ये सीधा हाथ है, तो ये 1000 रुपए नीचे जाने थे, 1000 रुपए नीचे नहीं ले गए, तुम ले गए सिर्फ 100 रुपए नीचे, तो मजीद 900 कम करना है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्लियर। इसी तरह इसका उल्टा कि अगर चेक इशू हुआ है कितने से 100 रुपए से, और तुमने रिकॉर्ड करते हुए कम कर दिया 1000, अब क्या हुआ, उल्टा, पेमेंट सिर्फ कितने की हुई 100, कमी सिर्फ करनी थी 100, तुमने कम कर दिए 1000, तो जब ज्यादा कमी कर दी है तो जो ये डिफरेंस था जैसे लेस हुआ था, इस सूरत में डिफरेंस क्या होगा, 900 रुपए ऐड होगा। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, ये इंक्रीजिंग बैलेंस, इंक्रीजिंग बैलेंस या डिक्रीजिंग बैलेंस का मतलब करके लिखा हुआ वहां पे, मकसद यही है कि कब पेमेंट ज्यादा हुई और कब। तो अब इस पॉइंट को जरा समझते हुए मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास है। ये 4 पॉइंट मैं नहीं कर रहा, ये 4 पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं कि दोबारा पढ़ो शुरू में जाके, इससे मैंने लिख के दिया, और इस वाले पेज पर यहां पर ये लिखा हुआ है, इसमें से ढूंढो, और नहीं तो फिर ये देखो रिकॉर्डिंग है कैशबुक, इसके पीछे भी एक पेज पे ये जो बात मैंने समझाई है यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। यानी पेज नंबर 7 और 6 पे ये दोनों चीजें हैं, इनको अच्छे से पढ़ो और इस पॉइंट को सॉल्व कर लेना, और यही पॉइंट लेके क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जरा करके रखो, तो फिर मुझे बताओ, तो कल मैं जब नहीं समझ में आएगा, करोगे फंसोगे, तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। आ रही है मेरी बात समझ में, तो कल मुझे जवाब चाहिए होगा, बल्कि हो सके तो जो जो लोग जो जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मैं इंडिविजुअली पढ़कर कल अपने लेक्चर के दौरान उन तमाम सवाल का जवाब दे सकूं। गॉट इट। चलो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज आज के लिए, कल इंशाल्लाह मिलता हूँ, जिंदगी रही।